सुभाष फाइनली हमारा बिल आ चुका है। देखिए नया गाड़ी का बिल कितना आया, 835 रुपये नया गाड़ी का बिल है। बता सकते हो यार, ये पैसे में हम रख ले रहे रख ले नहीं, चलो खाएंगे अभी। क्या हो गया यार, छोड़ी लोग झाकती है, झाकती है, सच बोल रहे हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय न्यू एपिसोड एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल सिंपल बस। सो गाइस, आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस फाइनली, जैसा कि मैंने इससे पहले वाला ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरा थर्ड सर्विसिंग है, गाड़ी को सर्विस में डाला, तो आज 2 दिन फाइनली हो चुका है। तो आज मुझे जाना है गाड़ी को लाने के लिए, तो फाइनली मैं रेडी भी हो चुका हूँ, पेपर ऊपर सब पूरा ले चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर से कॉल भी आ चुका था, भैया आपकी गाड़ी होगी आके लीजिए। तो फाइनली हम सर्विस सेंटर जाके आपसे मिलते हैं, क्या क्या मेरा गाड़ी में खर्चा हुआ है, क्या नहीं हुआ है, पूरा आपको वहाँ का देते हैं। तो गाइस मिलते हैं आगे। तो आज फाइनली अपना गाड़ी रेडी हो चुका है, पूरा सर्विस हो के। अरे देखिए भाई बोल रहे हैं इंश्योरेंस में डाल देने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ कुछ काम है बाकी जो इन लोग नहीं किया अच्छे से। देखिए इसमें स्क्रू जो मेरा गिर गया था वो तो लगा दिया है, बट ये देखिए हिल रहा है, मतलब ये टाइट नहीं हुआ है। और फाइनली ये ब्रेक जो है पूरा सटा हुआ है, तो आपको पता ही होगा एक्सीडेंट की वजह से, इसको भी बाहर निकलवाएंगे अभी। तो अभी बात करना होगा मिस्त्री से, बात करते हैं क्या बोलता है फजान, इंश्योरेंस में डाल दे। नहीं अभी मत डाल, अभी रुक जाओ, देखते हैं क्या होता है। और ये देख रहा है, देख रहे हैं सर गाइस, देखिए मेरा मीटर भी टूट चुका है यार, देखिए फट चुका है मीटर भी। वही एक्सीडेंट जो नहीं हुआ था, तुम जो गिरे था उसी में। वाह मतलब हमें गिरे थे, तुम तो गिरे ही नहीं थे, हमको नहीं लगा था इतना चोट। बस बात करते हैं। सो गाइस फाइनली गाड़ी का पूरा काम हो चुका है, पूरा गाड़ी रेडी हो चुका है, बट एक जो चीज़ है ना, वो जो भैया हम लोग का चेंज नहीं किए, क्या बोलते हैं यहाँ ना गाड़ी मतलब स्टैंड करते करते ना, यहाँ का जो रबर होता है ना वो फट गया है, पूरा फट गया, आगे खेलते खेलते फट गया है। और वो जो भैया का कॉल आया था तो हम बोले थे कि नहीं करने के लिए, तो अभी बोल रहे हैं चलने लायक नहीं है, तो वही गाड़ी को फिर से टायर उड़ खुलवा के इसका काम करवाना है, उसको रबर उबर लगवा के फाइनली पूरा रेडी करा लेते, क्योंकि आधा अधूरा काम मज़ा नहीं आता भाई। बाकी आप आगे से गाड़ी देख सकते हैं कैसा गाड़ी है, और इंश्योरेंस क्लेम में डालेंगे 4-5 दिन के बाद। अभी फिलहाल चलने देते नहीं भैया, चलने देते, कंटिन्यू ब्लॉग बनेगा उसको वजह से चलने देते, उसके बाद ढालेंगे इंश्योरेंस के लिए मैं फाइनली। सो गाइस उम्मीद करता हूँ जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए यार। देख सकते हैं यही रबर जो है मेरा पूरा टूट गया है, पूरा देखिए सही बोला था भाई, पूरा टूट चुका है। और ये चेंज नहीं कराते इससे ज़्यादा और आगे भी लॉस हो जाते, तो पूरा टूट चुका है। फाइनली चक्का भी खुल चुका है हमारा, फाइनली हमारा बिल आ चुका है। देखिए नया गाड़ी का बिल कितना आया, 835 रुपये नया गाड़ी का बिल है। बता सकते हो यार, पैसे में हम रख ले रहे रख ले नहीं, चलो खाएंगे अभी दस हम लोग 10 का पूरे खाएंगे, 10 रुपये का चाय भी पियेंगे। नया गाड़ी में 835 रुपये का बिल, बोल सकते हो कुछ कुछ नहीं, बोलने के लिए शब्द नहीं बचा है, अब खत्म हो गया है मेरा, खत्म हो गया। तो वैसे ये देखिए हमारा 835 रुपये का बिल आया, अब क्या क्या चेंज हुआ इसमें ये तो नहीं पता, बट कोई नहीं, रेडी हो चुका पेड बिल,
जीएसटी रेट काट के मतलब 200 रुपये ये लिया हम, ठीक क्या चाहिए भाई 200 रुपये लिया, देख तो 250 रुपया ये तो नहीं, क्या चीज़ के लिए 665 रुपये हुआ है क्या एम टी? अरे वही वाला पाइप वाला, पाइप वाला जो सो गाइस फाइनली हमारा बिल पूरा पेड हो चुका है, तो गाइस हम लोग अभी यही जल्दी में आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब एकदम सर्विस करिए, सर्विस करिए जल्दी जल्दी सर्विस करिए। तो गाइस नया गाड़ी में भी बहुत पैसा लग गया यार, पता नहीं था कि इतना भी पैसा लगेगा, नहीं लगना चाहिए इतना पैसा। देखिए यूनियन का सर्विस यही रहता है, यूनियन क्या है बाइक्स हीरो सर्विस, यूनियन बाइक हीरो सर्विस। और ये हो गया स्कोल, मस्त स्कोल का हो गया, सच बोल रहे हैं। सर्विस सेंटर में बोला था कि गाड़ी में तेल ना कम नहीं रखने का, उस टाइम में मेरा गाड़ी में बहुत तेल कम था, बहुत कम था तेल, तो वो बोला था कि ये BS6 है इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा रखने का, तो फाइनली हम यहाँ तेल भी फिलअप करा चुके हैं और गाड़ी में हमेशा तेल रखना है। सो गाइस फाइनली मेरा गाड़ी मेरे पास आ चुका है, इसमें ना शुरू में लोग पॉलिश अच्छे से नहीं किया है, तो वो पॉलिश अभी हम करने वाले हैं और फिर गाड़ी को चमकाने वाले हैं।